जनपद चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ट्रैक आज 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बता दें कि उपवन संरक्षक बीबी मर्तोलिया ने घांघरिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान उपवन संरक्षक ने बताया कि पर्यटकों को फूल की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घांघरिया वापस आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेस कैंप घांघरिया में पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है, साथ ही बेस कैंप घांघरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत ही उन्होंने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी नागरिकों को 200 रुपए और विदेशी नागरिकों के 800 रुपए ट्रैक शुल्क निर्धारित है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि वैली ऑफ फ्लावर की स्वच्छता को आप बनाए रखेंगे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। VDC से भी मेरी अपेक्षा है कि फूलों की घाटी को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो।